हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज ये वीडियो बहुत दिन के बाद आ रही है। और क्यों आ रही है वीडियो? क्योंकि आज हम फिर से जा रहे हैं हैदराबाद घूमने के लिए। मेरी नई ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के साथ घूमना भी होगा और सीखना भी होगा। सो अब चलते हैं सीधा ट्रेनिंग जाने के लिए, अपना जर्नी शुरू करते हैं। वी आर ऑल सेट टू गो, जाने के लिए रेडी हैं। हेलमेट। सो आ चुके हैं होटल पर, रिसेप्शन पर बैठे हैं। पूरे 3.5 आवर लगे, और आज जो माइलेज दिया है बाइक ने वो 32 के दिया है। आज माइलेज अच्छा मिला बाइक इस हाईवे पर, लेकिन टाइम काफ़ी लग गया होने में। सो ये है हमारा रूम जहां हम रुकेंगे, काफ़ी स्पेशियस रूम है। सो अभी जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए बाहर, क्योंकि दोपहर 11 बजे खाना खाया था मैंने, दोपहर 11 बजे लंच किया था, तब से कुछ खाया नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कुछ नॉर्थ इंडियन खाने के लिए मिल जाए तो मन अच्छा हो जाए और पेट भी अच्छे से भर जाए। सो चलते हैं खाने के लिए। ये आज का मेन्यू मैंने ऑर्डर किए हैं, कर्ड राइस, देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है हमारा यहाँ पर day 2 कह सकते हो, क्योंकि कल आया था मैं। सो अभी हम निकल रहे हैं, बैग पैक कर चुके हैं, ट्रेनिंग के लिए निकल रहा हूँ। और शाम को 5:30 बजे तक ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग करने के बाद अगर मौका मिलता है तो फिर मैं निकलूँगा घूमने के लिए। और फिर मेरे पास 2 दिन है, सैटरडे संडे छुट्टी है, तब हम घूमेंगे रामोजी फिल्म सिटी। और जो यहाँ पर चीज़ें बची हैं देखने से वो आपको दिखाएंगे। सो अब सीधे चलते हैं मीटिंग। सो अभी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और जा रहे हैं वापस अपने रूम पर। काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग थी, वैल्यू एजुकेशन। सो रेडी हैं जाने के लिए हम बाइक से। देख रहे हैं आप, बाइक में पहली बार पंचर हुआ है, वो भी पेज के द्वारा। ऐसा लग रहा है किसी ने इसको इसमें ड्रिल मशीन से ड्रिल कर दिया हो। सो ये है मेरा सेकंड रूम जो हमने बुक किया था 2 दिन के लिए, वो मेरा दूसरा रूम था। ये रूम थोड़ा उससे छोटा है बट काफ़ी अच्छा है, क्लीन है, अच्छा है। 2 दिन के लिए हम यहाँ रहेंगे। पता है मैंने क्या सीखा आज? मैंने सीखा वैल्यू कि बच्चों में हमें वैल्यूज़ कैसे इनकलकेट करनी है। मैं पहले ही एक कोर्स कर चुका हूँ उसके रिलेटेड, BSc इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। ये मैंने कोर्स किया था 2017, 2018 और 2019 में। सो ये बात मैंने उनको बताई तो वो लोग काफ़ी, जो लोग ट्रेनिंग देने के लिए आए थे, तो मैंने उनको बताया कि आई ऑलरेडी हैव डन BSc इन वैल्यू एजुकेशन। सो दे इनक्रेज मी दैट यू हैव डन इट। सो दिस वर्कशॉप रिमाइंड मी ऑफ माई दीज डेज वैन आई वॉज डूइंग माई BSc इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। सो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और वो चीज़ें आज नॉस्टैल्जिया मेरे को फील हुआ, क्योंकि सब चीज़ें मैं रिलेट कर पा रहा था। द वर्कशॉप इज़ अबाउट बींग स्परिचुअल, बींग अवेक ऑन अवर सेल्फ, हु आर वी, हम कौन हैं, हमको क्या करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। सो वो सब मोरल वैल्यूज़ जो मैंने सीखी थी, वही आज मैंने उनको आज रिमाइंड यहाँ पर रिमाइंड किया, रिविज़न हुआ मेरा बेसिकली। और अभी सब चीज़ें जाकर मैं अपने स्टूडेंट्स में इंकल्केट करूँगा। सो बहुत अच्छी वर्कशॉप रही, नाइस एक्सपीरियंस था, और ऐसे ही वर्कशॉप मैं आगे भी करता रहूँगा। इसके लिए मैं मैम को बोल दूंगा अपने कि मैम ऐसे वर्कशॉप के लिए मैंने फीडबैक भी दिया उनको कि यू हैव टू अरेंज दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप्स फॉर द टीचर्स, दैट बिकॉज टीचर्स आर द नेशन बिल्डर्स, सो इफ वी इनकलकेट द वैल्यूज इन चिल्ड्रन सो दे विल बी द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। सो आई अप्रिशिएट दैट काइंड ऑफ वर्कशॉप डन बाई द केंद्रीय विद्यालय संगठन। दे बिकॉज इट इज़ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, सो इट टेक इट्स दैट टीचर्स शुड अपडेट। सो ऐसे वर्कशॉप्स, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कीवीएस कंडक्ट करता रहता है। थोड़ा बाइक से जो इश्यूज आ रहे हैं मुझे, थोड़ा बाइक से, ये बाइक के जो इंजन से आवाज़ आ रही है, तो मैंने उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक की है 12:30 बजे। सो मैं वहाँ जाऊँगा, और टाइम मिलता है तो फिर मैं फिल्म सिटी जाऊँगा। और मेरे जो कलीग हैं, साथी हैं, जो आप पिछले ब्लॉग में देख चुके हैं, वो भी आ रहे हैं। सो कल हम इन्जॉय करेंगे और आप भी मेरे जर्नी में जुड़ेंगे साथ में। कुछ ऐसा नज़ारा है रात में हैदराबाद का, ट्रैफिक सेम दिल्ली जैसा। सो अगले दिन हम आ चुके हैं अपनी बाइक को दिखाने के लिए, जो बाइक के अंदर शूज़ है, थोड़े ब्रेकिंग शूज़ हैं, और थोड़ा इंजन से थोड़ी वॉइस आ रही है, तो उसके चेकअप के लिए अपनी बाइक को छुट्टी है। रेडी आप कितनी हाई ट्रैंक पड़ी हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ स्पीड फॉर स्पीड। यहाँ का सड़क राज्य का बाजार लगा हुआ सर्विसिंग के लिए। तो
रेडी हैं जाने के लिए। 5 दिन की मजदूरी करने के बाद सैटरडे संडे में कर रहे हैं एंजॉय एंजॉय। कौन है वही मियाँ? मैं तुम। अभी सब भूखे लोग खाना खा रहे हैं, ये हैं सबसे भूखे लोग। आशीष सर भूख लगी है मुझे। हाँ पता है बाद में आ जाती है जब वीडियो बनानी होती है, भूल जाते हैं स्टार्टिंग में। सागर टिकल के दिखाना है। ओए मैं तो बहुत मजा आ रहा है, मैं तो बहुत भूखा हूँ। रियली रियली सो मच इट्स माय प्लेजर टू हैव सम ग्रेट फ्रेंड्स। गाइस रात के बजे हैं, आप देख सकते हैं 11 बजने वाले हैं और हम आए हैं मूवी देखने के लिए कल की। चलो बढ़िया बहुत दिन के बाद जो लोग सब देख चुके हैं कल की। अब पहले मन था कि डेडपूल देखने का, लेकिन सब लोगों की सहमति बनी कि कल की देखते हैं, तो हम कल की देखने के लिए आए हैं। द्रोणाचार्य को अपने कर्मों का फल मिला, तुमने एक अजात शिशु पर अस्त्र चलाया, उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो चलाओ अपना चक्र और मार तुम मुझे। मृत्यु दंड नहीं है अश्वत्थामा, मुक्ति है। समय आने पर पांडवों की मृत्यु हो जाएगी। बजे हैं 3 और आज 3 नाइट आउट करके 3 बजे पहुंचे हैं अपने रूम पर। 2:45 AM सो गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा डे 3 इन हैदराबाद और आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए चोमल्ला पैलेस और वहाँ पर जो उसको क्या क्या फेमस है वहाँ पर भाई। आई थिंक निजाम्स का, शायद निजाम के घर है। पूरा रिसर्च नहीं किया अभी हमने, वहाँ जाकर देखेंगे कैसा रहता है। ये फ़ोन में लगे हाँ अच्छा है, वीडियो में तो अच्छा लग रहा है, वहाँ जाकर देखेंगे रियल कैसा लगेगा। हमारे पास कैमरा तो है, कैमरामैन राम राम भाई सारे हैं। आज हमारा 75। अभी हम आए हैं हैदराबाद का चोमल्ला पैलेस देखने, जो कि निज़ाम का घर कहलाता है, निज़ाम साहब रहते थे। काफ़ी बड़ा पैलेस है ये, अभी आपको दिखाता हूँ दूसरे क्लिप में। गाइस आप तो सामने देख रहे हैं वो है चोमल्ला पैलेस की मेन बिल्डिंग, जो कि निज़ाम के यहाँ रहने का स्थान था। उसको देखने के लिए आए हैं हम सब लोग। अरे यहाँ से अच्छी आ रही है। लोगों की फोटोग्राफी तुमने की है, फोटोग्राफी खत्म नहीं होती है भाई लोगों की। फिरेरा पेरे की गन्स मिल गई हमें, अब इनको बेच के हम करोड़पति हो जाएंगे। फिरेरा पेरे वाली गन्स, अब हम करोड़पति हो जाएंगे ने बेच कर। पैसा ही पैसा होगा 25 करोड़ की फिरेरा पेरे की गन्स मिल गई हमें। यहाँ हम देखेंगे ब्रिटिश कार जो निजाम चूज करते थे। अभी हम आया मॉल, द नेक्स्ट प्रीमियम मॉल। इसमें स्पॉट है कहाँ पे? अच्छा एक्चुअली मॉल घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पर। थोड़ा निकलने में लेट हो चुके हैं, इसलिए आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने सेफली बाइक चलाई और हम अपने स्थान पर सेफली पहुंच गए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग्स देखने का शौक है तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि मैं हूँ एक टीचर जिसे घूमने का शौक है और वो जो घूमता रहता है अलग अलग जगह पर। इस समय हम घूम रहे हैं साउथ इंडिया, बिकॉज मेरी पोस्टिंग साउथ इंडिया में है। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरे पुराने व्लॉग्स देख सकते हैं। तब तक के लिए आपको बाय।